आज केदारनाथ आपदा की बरसी है। केदारनाथ आपदा को पूरे 7 साल बीत चुके हैं। आज के ही दिन केदारनाथ में आई प्रलय में हजारों लोगों की जान चली गई थी। केदारनाथ की प्रलयकारी आपदा के चश्मदीद आज भी उस पल को सोचकर डर जाते हैं। आपदा के बाद केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। सबसे पहले चुनौती गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग को दुरुस्त करने की थी, जिसे 2014 में पूरा किया गया। वहीं दूसरी ओर 2014 में पूरे साल बमुश्किल 40,000 यात्री दर्शन के लिए पहुंचे, जबकि 2015 में 1.5 लाख, 16 में 4 लाख, 17 में 4.5 लाख लोगों ने केदार बाबा के दर्शन किए। इसी तरह साल 2018 और 19 में यात्रा ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, मगर इस साल कोरोना महामारी के चलते यात्रा पूरी तरह से बंद है। कोरोना की महामारी आई, उसमें भी काफी नुकसान हो रहा है, यात्रा भी नहीं चल रही है और काफी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। रोजगार का भी कोई साधन नहीं है। हम भी 3 महीने से बैठ रखे हैं और मैं भगवान केदारनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि ये आपदा दोबारा नहीं आए और सभी को सुख मिले हैं। जब जब इस जीवन में 2016 जून आएगा, तब तब हमें हमेशा 2013 की याद आएगी। हम लोगों के कई ऐसे व्यापारी मित्र थे जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उस आपदा में। मेरा खुद गौरीकुंड में होटल हुआ करता था, जो कि 20 कमरों का होटल हुआ करता था। आज वो होटल हम लोगों से आपदा में भेंट चल गया। आज 16 जून 2020 है। केदारनाथ में जो 2013 में जो आपदा आई थी, उस आपदा को आज 7 साल पूरे हुए हैं। इस दौरान केदारनाथ में बहुत सारा काम हुआ है और काम वर्ष वाइज हुआ है, साल के हिसाब से हुआ है कि प्रत्येक साल में, जैसे 2014 में क्या काम होना था जो इसेंशियल था, 2015 में क्या होना था, 16 में क्या होना था, और जैसे जैसे ये पुनर्निर्माण कार्य पूरे हुए तो फिर इस पर सभी लोगों की सोच आगे गई और उन्होंने जो है केदारपुरी को मास्टर प्लान के हिसाब से इसका निर्माण किया।